नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम इंडिया बुल्स रियल इस्टेट स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। इंडिया बुल्स रियल इस्टेट स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी बढ़िया मूव आती हुई दिखाई दी है। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक फिर नए 52 हाई के करीबन ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। 122-125 लेवल का जो यहाँ पे आप देख सकते कि रेजिस्टेंस बॉन्ड था, वो रेजिस्टेंस को एक पॉजिटिव कैंडल के साथ ब्रेक किया, उसके बाद स्टॉक ने तेज़ी कंटिन्यूस की है। वॉल्यूम भी देखोगे स्टॉक के अंदर तो काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम्स आए, कंटिन्यूस पॉजिटिव वॉल्यूम्स आए, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि ऐसे वॉल्यूम्स आते हैं तो स्टॉक जनरली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट करता है और वो हम लोगों को देखने को भी मिली है। न्यूज़ भी देखोगे तो इंडिया बुल्स रियल इस्टेट अप्रूव्ड फंड राइज ओवर 39.11 बिलियन रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते कि इंडिया बुल्स रियल इस्टेट को उन्हें अप्रूवल भी दिया है फंड राइज के लिए तकरीबन 39.11 बिलियन रुपीज़ का, जिसके कारण स्टॉक और भी अच्छी मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो कौन से लेवल्स पे रेजिस्टेंस लगने के चांसेस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ से तो अच्छी मूव की है। इस मूव में यहाँ पे जो क्लोजिंग है 130 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, जैसे कि ब्लू कलर का जो लाइन है मंथली में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो स्टॉक ऊपर की तरफ अच्छी मूव बना सकता है। अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिलती है इस मंथ में तो स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस और बढ़ सकती है।